हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्ष्य क्लासेस के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ मस्त बढ़िया शानदार होंगे सभी को जय हिंद वंदे मातरम अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को क्लिक करके साथ में अपने और भी साथियों के साथ शेयर कीजिए अपना स्वयं का भला करने से बेहतर है कि दूसरों का भी थोड़ा देखें और सबके स्टेटस लग जाने चाहिए मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से इतिहास को कुरेदने के लिए आपके समक्ष तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं साथियों लक्ष्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आप जितनी भी यहाँ से अपडेट्स प्राप्त करते हैं लाइक आप अगर जो हैं व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है और आप जुड़ सकते हैं साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पे जाकर लक्ष्य क्लासेस का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे आप सोचोगे कि सर इसको डाउनलोड करने से क्या फ़ायदा या फिर ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा जो हम पढ़ाएंगे ना भैया जो पी है अपडेट्स है जितने भी नोट्स है आपको यहीं पे तो प्रोवाइड करवाए जाएंगे बाई पोस्ट घर पे थोड़ी भेजा जाएगा है ना तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं देखिए जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से मैं इस सेशन की शुरुआत करूँगा विराट सैनी कह रहे हैं सर नाइस लुक क्यूट लग रहे हैं आप बेड सिंह चौहान कह रहे हैं बडे सिंह चौहान हाँ साहब कह रहे हैं कि जय श्री राम अनीता जी मीना निशा जी मीना यस बॉस प्रदीप जी कौर आप प्रदीप कह गौर कह रहे हैं कि सर शेयर करने से कंपटीशन बढ़ता है तो भैया बढ़ता ही नहीं हमारा हौसला भी टूटता है ठीक है हम भी तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी हज़ारों लोग देखें हौसला देखो हर अच्छी चीज़ को आपको प्रमोट करना चाहिए और बुरी चीज़ है उससे आपसे दूर रहना चाहिए आपको फीडबैक किसी भी सूरत हाल में देना चाहिए इस फीडबैक को देने से फ़ायदा ये पहुंचता है आप इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पा रहे हो मार्केट में जो कचरा फैला हुआ है उस कचरे को साफ़ करना और क्रीम को रखना आपका दायित्व बनता है अदरवाइज़ ये कचरा काफ़ी हद तक फैल चुका है और ये सब आपकी मेहरबानियों की वजह से ही हो रहा है मैं तो कहता हूं अगर मेरा वीडियो आपको या क्लासेस आपको पसंद आती है तो लाइक करें नहीं आती अनलाइक ठोक दे कोई दिक्कत नहीं पता तो चले भाई मेरा आईना कैसा है इसलिए फीडबैक सबको देना चाहिए इससे मोटिवेशन मिलता है जरूर देना चाहिए मैं हमेशा फीडबैक देता हूँ चलिए साथियों बात करते हैं आज के सेशन की मैंने आपसे लास्ट क्लास में मेवाड़ हिस्ट्री से छोड़ा था आपका टॉपिक और मेवाड़ में हम गुहिल शाखा की बात कर रहे थे मैंने आपसे कहा था इस गुहिल शाखा के अलावा मेवाड़ में सिसोदिया शाखा भी है इस गुहिल शाखा के अंतर्गत सबसे पहले हुए थे गोहादित्य जी हाँ गोहादित्य गोहादित्य ने पाँच सौ छियासठ ईस्वी में यहां पर शासन की शुरुआत की थी शासन तो नहीं कह सकते एक कबीले के सरदार के तौर पर वे जाने गए गोहादित्य के पश्चात में बप्पा रावल हुए तीसरे वंशज बप्पा रावल ने करीब सात सौ चौंतीस ईस्वी के आसपास इन्होंने चित्तौड़ किला जीता था इसके अलावा इनकी दाएं बाएं ऊपर नीचे की डेटें ऑथेंटिक नहीं हैं और है भी तो इतिहास में कोई कम मतलब की नहीं इतना काफ़ी है पाँच सौ छियासठ ईस्वी यानी सात सौ चौंतीस ईस्वी रावल ये वही बप्पा रावल हैं जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ा था और आप तो जानते हो कि हिंदुस्तान का इतिहास और वर्तमान गवाह है कि जो वास्तव में अच्छा शासक था उन्हें दबा दिया गया और जो बुरे शासक थे या सीधे शब्दों में कहें कि इतने भी अच्छे नहीं थे उनको बड़ा चढ़ा कर पेश किया भारतीय हिंदुत्व की संस्कृति को दबाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और दूसरी संस्कृतियों को ऊपर उठाने की कोशिश ये विचारधारा भारत में अक्सर देखने को मिलती है वापस बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है बप्पा रावल के बाद में इनके वंशजों में मैंने आपको बताया था एक वंशज हुए थे लगभग तेरहवें वंशज जिनका नाम था शक्ति कुमार जी हां शक्ति कुमार ये वही शक्ति कुमार हैं जिनके समय में सबसे पहला मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था वह हुआ था मुंज परमार का ये मुंज परमार जो है वह मालवा अधिपति थे परमार वंशी राजा थे राजधानी थी धारा नगरी इस आक्रमण का जिक्र मुंज परमार के दरबारी मेरुतुंग भट्ट ने किया है मेरुतुंग भट्ट अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में इस बात का जिक्र करते हैं इसी प्रबंध चिंतामणि में मेरुतुंग एक बात और भी लिखते हैं कि इन्हीं के भतीजे भोज परमार इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर मध्यमिका नगरी किया था चित्तौड़ और मालवा के मध्य वाली नगरी अर्थात मध्य मीका नगरी साथ ही साथ इन्हीं भोज परमार ने एक मंदिर बनवाया था जिसको कहते हैं त्रिभुवन स्वामी मंदिर जिसको बाद में नाम बदलकर महाराणा मोकल ने मोकल जी का मंदिर या समाधीश्वर मंदिर नाम दिया जो कि वर्तमान चित्तौड़ किले के अंदर है इन सारी बातों की चर्चा हम लास्ट सेशन में कर चुके थे इसके बाद वाली कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं नॉट कन्फर्म कि बप्पा रावल का शासनकाल कब से कब तक रहा भाई मेरे ये इतिहास है और इतिहास एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती नमूना देखना चाहोगे जो कह रहे हैं ना बप्पा रावल का शासनकाल यहाँ से यहाँ तक है तो सुनो मेरी बात प्यारे प्यारे साथियों सुनो देखो साहब ऐसा है कि यह वही इतिहास है आपने नाम तो सुना होगा ना नाम सुना ही होगा आपने रानी कर्णावती या कर्मावती सुने हैं नाम सबने महाराणा सांगा की विधवा रानी कर्मावती या कर्णावती ये वही कर्णावती हैं जिसने पांच मार्च 1535 सो ईस्वी को जौहर किया था जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया था है ना उस समय उनके पुत्र जो है उदय सिंह जी महाराणा प्रताप के पिता वो उदय सिंह जो है मात्र दो वर्ष के बताए जाते हैं दो वर्ष के अब कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब महाराणा उदय सिंह तो बड़े थे तो भैया अगर उदय सिंह बड़े थे तो पन्ना धाय ने उनको टोकरी में बिठा के कुंभलगढ़ पहुंचाया था ना बड़े बच्चों को टोकरी में कैसे बिठा के ले जाएंगे बच्चे ही थे ना उदय सिंह जब 1535 में उदय सिंह दो वर्ष के थे उनका राज तिलक हुआ था कुंबलगढ़ में 1537 में और तिलक के वक्त उदय सिंह का विवाह हुआ था जीवत कंवर अर्थात जयवंताबाई से महाराणा प्रताप सिंह जी की माता श्री जयवंताबाई सा उस समय जयवंता सा जीवंत कंवर की जो एज है वो सत्रह साल की बताई जाती है तो यूं समझे कि चार साल के उदय सिंह जी का विवाह सत्रह साल की लड़की से हुआ यह कहना चाह रहे हैं आप और चमत्कार तो यहां देखो कि उन्हीं उदय सिंह जी ने 1540 में महाराणा प्रताप को जन्म दिया अरे यार इतना फास्ट जमाना टेस्टेड ट्यूब बेबी भी नहीं होता कैसे संभव है ये सारी चीजें तो डेटो की ऑथेंटिसिटी इन बातों से छुपी हुई नहीं है भैया इसलिए मैं बार बार क्लास में कहता हूं हमेशा कहता हूं कि ये इतिहास है इतिहास अगर एक आध नंबर पड़े कम पड़े तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी मैं हूं ना आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का होने नहीं देंगे आप खाली जिस सवाल पे हाथ रखोगे वो सवाल आपका होगा ये समझ लो आप जो बोलो उसको मैं गलत साबित कर लू आप जो बोलो उसको मैं सही साबित कर लू ये वही इतिहास है <laughs> ये वही इतिहास है मेरे भाई ये वही इतिहास है जिसमें पांच जनवरी 1544 को एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं ये वही इतिहास है जिसमें एक महान योद्धा जेता और कुंपा के साथ अखेराज सोनगरा शहीद होते हैं अखेराज सोनगरा शहीद हुए युद्ध क्षेत्र में मारे गए और ये वही इतिहासकार हैं जो अखेराज सोनगरा को पंद्रह सो में कुंबलगढ़ में फिर से जीवित करके महाराणा प्रताप के तिलक करवाते हैं गोगुंदा में ये वही इतिहास है और ये वही आप छात्र हैं जो इधर उधर की बातें इकट्ठा करके बस रट्टूबाज बने हुए हैं मेरे गुरु जी अक्सर कहते थे कि बेटा इतिहास पढ़ने वाले समझदार है पढ़ाने वाले मूर्ख हैं अब ऐसा क्यों कहा उसका सबसे बड़ा कारण समझना कारण यह है मेरे मित्र कि बात सीधी सी है आप पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आए कौन सा शिलालेख देख के आए फलाना शिला लेख ये कहता है फलानी किताब वो ये कहती है फलानी चीज ये कहती है आप फलानी फलानी चीज लाके हमारे पास में रखते हो तो हम किसकी बात करें समझदार तो आप हैं, मूर्ख हम हैं मैं एकीकरण अच्छे से पढ़ा चुका हूं बीटी जोक्स ठीक है अब जोक्सी नाम रखा है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें देखना सब कुछ बता रखी है डिटेल्स बहुत अच्छे से तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शक्ति कुमार के बाद में इनके वंशजों की फहरिस्त में लगभग दस पीढ़ियां और शामिल हैं जिनका नामो निशान इतिहास के पन्नों पे इतना नहीं मिलता क्योंकि मालवा का अधिकार हो चुका था मेवाड़ पर मालवा के परमारवंशी शासकों का अधिकार था और परमार वंशी राजा भोज परमार के बाद में उनके वंशजों ने मेवाड़ पर शासन किया ये वही हारित ऋषि का श्राप है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था हालांकि इसके बाद में मेवाड़ के महाराणाओं का क्या हुआ मेवाड़ के शासकों का क्या हुआ यह तो इतिहास में थोड़ा सा धूमिल नजर आता है लेकिन इतना जरूर है कि विक्रम सिंह जी के लड़के हुए थे महारावल रणसिंह गहलोत ये गहलोत शाखा ही तो चली आ रही है रण सिंह गहलोत महारावल रण सिंह गहलोत इन से पहले इनकी दस पीढ़ियां जो हैं है लगभग मिसिंग हैं इतना बताया जाता है कि महारावल रण सिंह गहलोत हुए थे जो कि विक्रम सिंह जी के लड़के थे और रण सिंह और उनके पूर्वजों के पास में मेवाड़ का शासन नहीं था क्योंकि मेवाड़ पर परमारवंशी शासकों का कब्जा था ठीक है रण सिंह गहलोत और उनके पूर्वज छोटे छोटे गांवों में शरण लिए हुए थे रण सिंह गहलोत उस समय एक छोटे से गांव ऊंदरी में रहते थे ऊंदरी ये ऊंदरी गांव वर्तमान में उदयपुर शहर के पास में झाड़ोल रास्ते पर मौजूद है वहां पर रहते थे उंदरी गांव में एक भील सरदार के घर में शरण लिए हुए थे शासन उनके हाथों में नहीं था क्योंकि मेवाड़ पर अधिकार परमार वंशी शासकों का था यह गोगनी हो गई का क्या मतलब है कहानी सुन सुन के गोगनी हो गई रणसिंह गहलोत की दो पत्नियां थी पहली पत्नी का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है मैंने भी एकलिंग महात्मे में नहीं पढ़ा लेकिन रणसिंह की छोटी पत्नी का नाम था जिनका नाम था सिसोद कंवर कंवर छोटी पत्नी छोटे से गांव उंदरी में रहते थे भील सरदार के घर में शरण लिए हुए थे सिसोद कंवर का एक बेटा था जिसका नाम था राहप और बड़ी पत्नी का एक बेटा था जिसका नाम था माहप जिसे क्षेम सिंह कहा जाता था क्षेम सिंह राहप और माहप नाम के दो भाई थे और आप तो जानते हैं कि राजस्थान में जो है हम शॉर्ट नाम बोलने के बड़े माहिर हैं क्षेम सिंह नाम था इसको खेमा या खीमा भी कहा जाता था खेमा राहप को उसकी मां सिशोद कंवर ने सौगंध दी क्योंकि मेवाड़ पर परमार वंशी शासकों का कब्जा था सौगंध दी कि जब तक वह अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर लेता जब तक वह मेवाड़ पर फिर से कब्जा नहीं कर लेता जब तक वह चित्तौड़ को जीत नहीं लेता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी यानी न तो खाना खाएगी न पानी पिएगी इसलिए अपनी मां सिसोद कंवर की इच्छा पूरी करने के लिए राहप ने रात के अंधेरे में उंदरी के भील सरदार भूता की सहायता से चित्तौड़ किले पर हमला किया और भीलों का हमला तो आप जानते ही हो वो ही ने भाटे ठोके पत्थर मारे तो उन भाटों की वजह से परमार किला छोड़ के भाग चुके थे और चित्तौड़ जीता राहप ने चित्तौड़ पर फिर से अधिकार किया परमारों से चित्तौड़ छुड़वा लिया जब परमारों से इन्होंने चित्तौड़ छुड़वाया राहप ने तो साथियों बताना चाहूंगा के अनुसार बड़ा बेटा कौन है खेमा तो नेक्स्ट गद्दी किसको मिली खेमा को और इन दोनों मां बेटों ने खुशी खुशी खेमा को गद्दी दी चित्तौड़ का राजा स्वीकार किया लेकिन वो कहते हैं ना दिमाग की सनक इंसान को बड़े से बड़ा अपराध करवाने से पीछे नहीं हटती इस खेमा को इस क्षेम सिंह को इस माहप को ये प्रॉब्लम थी कि आने वाले समय में जनता राहप को राजा बना देगी उसको अपनी गद्दी खतरे में नजर आ रही थी इसलिए राहप को और उसकी मां सिसोद कंवर को दोनों को इस खेमा ने राज्य से निष्कासित कर दिया राज्य से निकाल दिया ये दोनों मां बेटे राज्य छोड़ के चले गए क्योंकि खेमा को लगता था कि जो सब कुछ करवा रही है वह यही सिसोद कंवर करवा रही है राजमाता शिवगामिनी देवी करवा रही है सिसोद कंवर और राहप दोनों चित्तौड़ छोड़ के चले गए थे और जब ये चित्तौड़ छोड़ के गए तो चित्तौड़ की आधी से ऊपर जनता भी इनके पीछे पीछे चली गई ठीक वैसे ही जहां जैसे जहां बाहुबली वही उनका साम्राज्य सिसोद कंवर और राहप दोनों चित्तौड़ छोड़ के चले गए थे और वहां एक गांव बस गया था जिसे बाद में सिसोद गांव कहा गया ये सिसोद गांव वर्तमान में कांकरोली के पास में एक छोटा सा गांव है कांकरोली नाम सुना सुना लगता है कि देखा देखा लगता है कांकरोली राजसमंद। कांकरोली राजसमंद। और इन्हीं सिसोद कंवर के वंशज यानी राहप के वंशज सिसोदिया कहलाते हैं और इन्हीं खेमा के वंशज गुहिलोत कहलाते हैं गहलोत कहलाते हैं बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं मैंने देखा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कुछ भी ठोकते हैं किसी ने पूछा टाबर तो ने कि सल सिसोदिया क्यों कहलाएं तो कि माताजी ने सीसा पिलाया था तो सिसोदियाओं को माताजी ने यदि सीसा पिलाया है और सिसोदिया कहलाए तो फिर बाटियों को तो बाटे खिलाए होंगे हैं? और दई देवड़ाओं को बड़े कुछ भी ऐसा नहीं है सिसोद कवर के नाम पर ये सिसोदिया कहलाते हैं साहब खेमा, इसको अभी भी समस्या थी सिसोद कवर से सोचता था कि ये सब कुछ गंवर करवा रही है और आने वाले समय में पब्लिक को ये लेकर गया है तो बगावत करेगी ठीक है ये बगावत करेगी इस कारण से इस क्षेमा ने क्षेम सिंह ने एक हत्यारा भेजा सिसोद कंवर की हत्या करने के लिए रात को सिसोद कंवर जब सो रही थी सिसोद गांव में तो उस हत्यारे ने एक तीर चलाया और वो तीर सीधा मां सिसोद कंवर के गले में लगा बाण लगा गले में और चूंकि गले में बाण लगा था इसलिए ये महान नारी सिसोद कंवर बाण माता या मां बाय कहलाई, जो सिसोदिया और गुहिल वंश की कुलदेवी के रूप में विख्यात हुई कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि यह वही माता श्री हैं जिन्होंने बाणासुर को मारा था इसलिए यह बाण माता कहलाई अब यहां पे दो थ्योरिया सामने आती है अब जो भी हो यह कथानक है कहीं सुनी बात हैं सब्र करो थोड़ा सा सब कुछ समझ में आएगा बस क्रॉस चेक करने के लिए बैठे हो कुछ लोग क्रॉस चेक करने के लिए बैठे हैं तो फिर एक गेट टूगेदर रख लेते हैं आप सवाल पूछो मुझे उसका जवाब देना है और दूसरा तरीका है कि <laughs> क्या बोले देखो मैं इतिहास का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं कभी नहीं कहता अपने आप को इतिहास का एक्सपर्ट मैं अपने को इतिहास का विद्यार्थी कहता हूं विद्यार्थी स्टूडेंट लगभग पढ़ते पढ़ते पढ़ाते 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 पढ़ाते, पढ़ाते चौदह वर्ष बीत चुके हैं माथे में सफेदी भी आने लग गई है और मुझे इतिहास का दस से बीस प्रतिशत ज्ञान है भैया इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और दस और बीस प्रतिशत भी इतना ज्ञान है कि शायद ही उसकी कोई बराबरी कर पाए मैं चुनौती के साथ कहता हूं इसलिए क्रॉस चेक तो करो मत कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सब आएंगे आपके सवालों के जवाब अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं आप पूछोगे कि सर महात्मा गांधी की लुगाई का नाम क्या था यह महात्मा गांधी चल रहा है सब आएगा धीरे धीरे सब कुछ आएगा ठीक है आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर होंगे सिर्फ पैसेंस के साथ में सुनते रहो देखो सिसोद कंवर के बेटे राहप और राहप के बेटे थे जिनका नाम था राणा पदम सिंह सिसोदिया क्योंकि सिसोद कंवर के है ना राणा पदम सिंह सिसोदिया और उनके बेटे थे राणा लक्ष्मण सिंह सिसोदिया और राणा लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के सात पुत्र थे और उन सात पुत्रों में सबसे बड़ा था कुंवर अरि सिंह सिसोदिया और कुंवर अरि सिंह सिसोदिया के पुत्र थे जिनका नाम था हमीर सिंह सिसोदिया जो आने वाले समय में मेवाड़ महाराणा हमीर नाम से विख्यात होंगे अब ये सिसोदिया तो मां सिसोद कवर की वजह से कहलाए सिसोद गांव से उठे हुए इसलिए कहलाए लेकिन राणा कैसे कहलाए यह तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता और शायद मुझे उम्मीद है कि जो सिसोदिया वंश से जुड़े हुए हैं ना उनको भी नहीं पता होगा राणा रणसिंह की वजह से कहलाते हैं यहां से कनेक्टेड है और यह गुहिल शाखा गहलोत शाखा इसी गुहिल शाखा के अंदर महापक्षेम सिंह के बाद में सामंत सिंह गहलोत सामंत सिंह के बाद में कुमार सिंह गहलोत कुमार सिंह के बाद में मोकम सिंह या मोहन सिंह गहलोत और मोकम सिंह या मोहन सिंह के पश्चात में जेत्र सिंह गहलोत और जेत्र सिंह के पश्चात में तेज सिंह गहलोत और तेज सिंह के पश्चात में समर सिंह गहलोत और समर सिंह गहलोत के पश्चात में रतन सिंह गहलोत किसी भी खानदान को छपवा लो इतने तो उनके बड़वाजी भी नहीं जानते होंगे जितना मैं बता चुका हूं और बता सकता हूं अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लें बिल्कुल यह सत्य है बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्मण सिंह के सात पुत्र प्रथम साके में मारे गए थे लेकिन फिलहाल हम लक्ष्मण सिंह के सातों पुत्रों को साके में मरवा नहीं रहे साका होने तो दो मेरे भाई आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से ये सीक्वेंस शायद ही आपको कहीं नजर आएगा एडवांस मत भागा करो मैं ये चाहता हूं एडवांस मत करो और कभी भी कोई भी अगर गुरु होता है ना क्लास में खड़ा है और वो भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर तो कभी भी आप उसको क्रॉस चेक करने के इरादे से मत पड़ा करो मैं आपको एक अच्छा सा ज्ञान देता हूं देखो सैंतीस छत्तीस कौम होती है मेरी नजर में दुनिया में छत्तीस में से सैतीसवी कौम होती है टीचर की इतना बदमाश और इतना दिल विशाल होता है दोनों एक दूसरे के विपरीत लक्षण हैं। अगर कोई योग्य शिष्य है और ईमानदारी से कहता है कि सर मुझे ये बताओ दिल इतना विशाल होता बेटा एक नहीं दो ले जा। और कुशाणा गुरु जी बताना पड़ेगा तो हमें भी पता है कहाँ उसको लथेड़ना है आप सोचिए लक्ष्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर किसी ऐरे गेरे नथु गेरे को रा चलते को तो खड़ा नहीं करेंगे ना क्रॉस चेक करने के इरादे से मत पढ़ो आप बस सुनते जाए माना कि आप ज्ञानी हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं लिख लिया ये नोट नोट कर लिया होगा होपफुली आपने या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका चले आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आगे क्या होता है इस शाखा में एक बार सिसोद शाखा को हम साइड में कर लेते हैं पहले गहलोत खानदान की बात करते हैं देखिए गहलोत शाखा में चौबीसवें शासक हैं सामंत सिंह सामंत सिंह गहलोत ठीक है क्लास में बीटी जोक्स सुन रहा है मुझे अब आपके सवाल का आंसर है आप एडवांस भाग रहे हो तो अब आपके सवाल का बारी आई है सुनो आपने एक कहावत तो सुनी होगी अली बाबा और चालीस चोर सुना है अली बाबा और चालीस चोर मैं देखो किताबी लैंग्वेज कम इस्तेमाल करता हूं प्रैक्टिकल लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करता हूं अली बाबा और चालीस चोर अली बाबा कहा जाता है गोरी को वास्तव में और चालीस चोर उसके चालीस गुलाम देखिए गोरी के कोई संतान नहीं थी गोरी जब अपने गजनी लौट गया था गजनी अफगानिस्तान में एक जगह है आमिर खान नहीं है गजनी जब लौटा था तो अपने चालीस गुलामों को हिंदुस्तान का सौंप के गया था उसके चालीस गुलामों में कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह इल्तुतमिश इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना रुकुरुद्दीन फिरोज ताजिदीन यालदोस नासिरुद्दीन गया गयासुद्दीन बलबन शाह के कुबाद शाह के मूवरश शाह अलाउद्दीन मशूद शाह अलाउद्दीन बहराम शाह सुने तो होंगे चालीस गुलाम देखिए गोरी ने संपूर्ण हिंदुस्तान जीता और जीतने के बाद में अपने गुलामों को हिंदुस्तान छोड़ के गया और गोरी का सबसे पहला गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक एक उपाधि है कुतुबुद्दीन नाम है यह शमशी सुल्तान था अब यह ये शमशी ये सुल्तान क्या होता है कभी इंडियन हिस्ट्री की हवेली पे आइएगा समझेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में नेक्स्ट सुल्तान बना दिल्ली के तख्त पे आराम शाह आराम शाह जैसा नाम वैसा सुल्तान नाम तो सुना नहीं होगा आपने क्योंकि नाम तो उसी का सुनते हैं जो फेमस होता है और तीसरा सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश याद रखना ही है देखिए इतिहासकार बड़े फनी अंदाज से कहते हैं कि गोरी जो है ना गोरी जिसका वास्तविक नाम है अल्त्मश शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अल्तमशाबुदिन मोहम्मद गौरी गौरी नॉट गौरी गौरी इतिहासकार कहते हैं कि गौरी के कोई संतान नहीं थी कोई पुत्र नहीं था कोई पुत्री नहीं थी अब गौरी के क्यों संतान नहीं थी क्यों पुत्र पुत्री नहीं थी सुनिए जरा बस इतिहासकारों ने तो यह डिसाइड ही कर रखा है कि हिंदू राजाओं को दबा दो और मुस्लिम राजाओं को ऊपर उठाओ जब दोनों बराबरी पे आ जाए तो आराम से समाज में धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा करके खेलो पहले यह काम ब्रिटिश सरकार किया करती थी जिसे हम डिवाइड एंड रूल फूट डालो और राज करो कहते हैं और वर्तमान में चंद नेता आपने सुना होगा गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 अगस्त महीने में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था उसके बाद में गोरी ने चंदावर युद्ध में जयचंद गहडवाल को हराया था लेकिन क्या इससे पहले गोरी को किसी ने नहीं कूटा बहुत कूटा गया गोरी को मैं आपको युद्ध याद दिलवा दूं। गोरी का सबसे पहला युद्ध है 1172 मुल्तान का और इस मुल्तान की लड़ाई में गोरी को शंबू सिंह सोढ़ा ने मारा था शायद आपने नाम ही भी नहीं सुना होगा शंबू सिंह सोढ़ा बहुत जम के कूटा था शंबू सिंह सोढ़ा ने लेकिन दूर दूर तक अन्याय देखिए इतिहास में भू सिंह सोड़ा जैसे महान योद्धाओं का एक लाइन तक नसीब नहीं हुई इतिहास में एक तरफा इतिहास गजनवी ने देश को लूटा सोमनाथ लूटा लेकिन यह कोई नहीं बताता कि गजनवी को भारतीयों ने कितना कूटा वो मैं बताऊंगा आपको आपको शायद यह ज्ञात होगा 1178 में अनहिलवाड़ा अनहिलवाड़ा जिसे माउंट आबू कहा जाता है आबू नाम सुना सुना है के देखा देखा है आबू में मूल राज चौड़ुख्य अर्थात सोलंकी राजा ने गोरी को बहुत जम के कूटा था बहुत के मारा था मूलराज ने लेकिन एक सेकेंड रुकिए, बात कंप्लीट नहीं हुई दरअसल मूलराज तो एक छोटा सा बारह साल का दूध मोहा बालक था भला मूलराज गोरी को कैसे हरा सकता था वास्तव में गोरी को हराने वाली एक युद्ध की नायिका मूलराज की माता श्री नाई का देवी थी आप बताइए इनको इतिहास में क्या स्थान मिला नायिका देवी जैसी महान वीरांगना की आत्मा कितनी दुख से झेल रही होगी कि उनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला नायिका देवी के साथ में एक और देवी थी दुर्लभ देवी देवे तो हार जाते थे देवे तो हार जाते थे लेकिन देवियां बड़ी खतरनाक थी दुर्लभ देवी वास्तव में इसका नाम था प्रथा और यह प्रथा जो है पृथ्वीराज चौहान की बहना थी इन दोनों महान वीरांगनाओं ने इस गोरी को माउंट आबू की तलहटी में ऐसा मारा था ऐसा मारा था ऐसी तलवार मारी इसके ऊपर कि गोरी के कभी संतान नहीं हुई और इतिहासकार कहते हैं कि गोरी के संतान नहीं थी तो सीधा सीधा कह दो ना कि वो तलवार नायिका देवी की थी बीटी जोक्स सुन रहे हो यही दुर्लभ देवी यही प्रथा सामंत सिंह की पत्नी थी यानी मूलराज की बुआ मूलराज के ऊपर जब आक्रमण किया इस गोरी ने तब नायिका देवी ने दुर्लभ देवी से सहायता मांगी और दुर्लभ देवी मेवाड़ की सेना लेकर माउंट आबू गई और इस गोरी को ऐसी मार मारा जिसकी कोई सीमा नहीं थी मूलराज की बुआ पृथ्वीराज चौहान की बहना प्रथा दुर्लभ देवी सामंत सिंह की पत्नी जिसने अनिलवाड़ा युद्ध में गोरी को परास्त किया था मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं कि इतिहास में सिर्फ यही नहीं हुआ कि हिंदुत्व के इतिहास को दबाया गया साथ साथ में यह भी काम हुआ कि इस पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा नारियों को कोई स्थान नहीं दिया और आज भी यह मेल ईगो काफी जबरदस्त है देखिए सामंत सिंह के समय दुर्लभ देवी जब मेवाड़ से सेना लेकर अनिलवाड़ा गई थी और आप भी जानते हो कि युद्ध हैं युद्ध में कोई लड्डू नहीं बटते खून खराबा होता है और इस युद्ध में दुर्लभ देवी जो है जो कि मूल राज की बुआ थी और आप तो जानते हो बुआ जी खतरनाक ही होते हैं आपको भी पता है आपके भी बुआ जी होंगे और पीहर में क्या तेवर होते हैं उनके शायद आपको ज्ञात होगा दुर्लभ देवी उस युद्ध में काफी जख्मी हो गई थी और जख्मी होने के बाद में जब वह चित्तौड़ की तरफ लौट रही थी रास्ते में दुर्लभ देवी की डेथ हो चुकी थी वह चित्तौड़ पहुंच नहीं पाई और उसी समय सामंत सिंह के ऊपर कीतू चौहान ने हमला कर दिया अब ये कीतू चौहान कौन है मौके का फायदा उठाकर कीतू चौहान जिसे आप कीर्तिपाल सोनगरा कहते हैं नाडोल का शासक है जो बाद में जालोर का शासक बनेगा हमला कर दिया और इस हमले में हमारे सामंत सिंह वागड़ चले गए यानी आपसे पूछा जाए कि वागड़ में यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में गहलोत शाखा की नींव किसने डाली तो आपका उत्तर होगा सामंत सिंह गहलोत इतने वीर थे हमारे सामंत सिंह जी वागड़ चले गए अब मैं नहीं कहूंगा भाग गए देखो शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं इतिहास आपका कंपटीशन एग्जाम में सब्जेक्ट होता ही नहीं है आपका सब्जेक्ट है जीके और जीके का सीधा सा मतलब होता है वो कंटेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से राजस्थान और भारत का नाम जाना जाता है उसे कहते हैं जीके। सामंत सिंह इतिहास है दुर्लभ देवी जीके हैं शायद मेरी बात बादाम खाने वालों को समझ में आई होगी कच्चे बादाम खाने वाले या फिर जिनको ईगो है सिर्फ खाली क्रॉस चेक करने के इरादे से या फिर चैट करने के इरादे से या फिर लड़कियाँ ताड़ने के इरादे से जो क्लास में घुसते हैं उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी और वैसे भी मुझे सबको समझाना कहाँ है गुरु जी कहते थे कि बेटा सबके सरकारी नौकरी लग गई तो उनके लिए लोटा भर के कौन लाएगा तो पियोन भी तो चाहिए सबके नहीं लगनी है और ना सबको लगानी है हमको जो सीरियस है वो पढ़ेंगे और जो सीरियस है वो सपोर्ट भी करेंगे और जो अनसीरियस है वो इस तरह की चीज़ें करेंगे चले आगे बढ़ते हैं सामंत सिंह वागड़ चले गए और उनके वागड़ जाने के बाद में कुमार सिंह ने बहुत कोशिशें की चित्तौड़ को हासिल करने की मेवाड़ को हासिल करने की लेकिन कामयाबी नहीं मिली मोकम सिंह ने काफी कोशिशें की लेकिन कामयाब नहीं मिली और उसके बाद में जित्र सिंह ने कोशिश की और जित्र सिंह को कामयाबी मिली तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जेत्र सिंह गहलोत जी हां महारावल जेत्र सिंह गहलोत ठीक है साहब आप भी साथ साथ नोट्स बनाते जाए सुनते जाए कान में हेडफोन डालते जाए बस खाली नोट्स बनाते जाए महारावल जित्र सिंह गहलोत देखिए महारावल जित्र सिंह गहलोत के बारे में एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये मेवाड़ में गोहिल शाखा के गोहिल शाखा के सबसे शक्तिशाली शासक है यह सवाल बनता है मेवाड़ में गोहिल शाखा के सबसे शक्तिशाली शासक कौन जित्र सिंह न कि रतन सिंह रतन सिंह जी का तो रोल क्या है इतिहास में सिर्फ यह है कि महारानी पद्मावती के पतिदेव हैं गोहिल शाखा में सबसे शक्तिशाली शासक है महारावल जित्र सिंह गहलोत क्यों शक्तिशाली कह रहा हूं इसके पीछे कारण यह नहीं है कि इन्होंने कीतू चौहान को हराया कीतू चौहान जिसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था उसको हराया इसलिए शक्तिशाली नहीं कीतू चौहान को सिर्फ मेवाड़ से ही नहीं चित्तौड़ से ही नहीं अपितु उसके राज्य नाडोल से भी बगा दिया और इसलिए कीतू चौहान नाडोल छोड़कर जालोर चले गए थे और इसी कीतू ने जालोर में 1180 में सोनगरा शाखा की शुरुआत की कीर्तिपाल सोनगरा नाम से इनको शक्तिशाली कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मैंने अभी अभी कुछ देर पहले कहा था अली बाबा और चालीस चोर जो दिल्ली सल्तनत में जो तीसरा सुल्तान बना था ना इलतुतमिश सुल्तान इलतुतमिश ये कोई छोटा मोटा सुल्तान नहीं था हिंदुस्तान का सुल्तान था क्योंकि गौरी ने जो राज्य खड़ा किया था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने जीवन में कुल बारह युद्ध लड़े थे सबसे पहला हमला रणथंबोर पर दूसरा मंडोर पर तीसरा जालोर पर चौथा बयाना पर उन बारह युद्धों में सुल्तान इल्तुतमिश की हर युद्ध में जीत हुई थी सिर्फ एक युद्ध में वो हार गया था अब कैसे क्या हुआ सुनिए देखो मैं आपको कुछ यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं आप समझने की कोशिश करना देखिए उस समय दिल्ली के तख्त पर मुस्लिम सत्ता का शासन था और मुस्लिम सत्ता की नजर में सिर्फ उद्देश्य यह नहीं था कि साम्राज्य फैलाना उनके दिमाग में दिल में जहाद भी था मतलब जहाद मतलब सीधा सा काफिरों को मारोगे जन्नत नसीब होगी खुदा खुश होगा यही तुम्हारा जहाद है अगर जीत गए तो गाजी कहलाओगे और शहीद होगे तो सीधे जन्नत को जाओगे तो इसी मानसिकता को लेकर सुल्तान इल्तुतमिश ओनली सुल्तान इल्तुतमिश नहीं हिंदुस्तान का सुल्तान इल्तुतमिश सुल्तान अलतुतमिश ने दिल्ली से निकलकर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर तोड़ने का इरादा किया उसे लूटने का इरादा किया ठीक है आपको क्या लगता है जिस मानसिकता के साथ में सुल्तान इलतुतमिश की शाही फौज वो अपना लश्कर लेकर आ रहा है तो क्या वो मंदिरों के साथ अगर रास्ते में आया कोई भी हिंदू गांव या शहर तो उसे वो छोड़ेगा तहस नहस कर देगा नास्ता नूद कर देगा देखो पहले क्या होता था आपने अक्सर एक चीज नोटिस की होगी बस मेरे साथ साथ चलोगे सब कुछ समझ में आता रहेगा पहले एक नोटिस की होगी चीजें कि जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आता था ना तो राजपूत लोग क्या करते थे आसपास के गांव खाली करवा के किले में आकर बैठ जाते थे कि क्योंकि किला ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना के समान होता था ठीक है आसपास के गांव खाली करके दुर्ग में आकर बन गए दुर्ग की बु... दुर्ग बंदी कर दी इन्होंने ठीक और वो बाहरी आक्रमणकारी जिसकी बहुत विशाल फौज है वह भी दुर्ग को घेर कर बैठ जाता था घेराबंदी कर लेता था, था दुर्ग की यह सोच के कि कभी ना कभी तो बाहर आएंगे अब कुछ आक्रमणकारी तो थक हार वापस लौट जाते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जैसे और कुछ ढीठ बन के वही बैठे रहते थे अल्लाहुद्दीन खिलजी जैसे कि कभी ना कभी तो बाहर आएंगे जब अंदर राशन पानी खत्म होगा तब तो बाहर आएंगे इसको कहते घेरेबंदी किले की घेरेबंदी और आप भी जानते हो कि किले में राशन पानी इतना होता नहीं है इतनी फसल उगती नहीं है कि लंबे लंबे टाइम तक उस किले के अंदर सरवाइव किया जाए वो किले के अंदर ही होली दिवाली बेस तीज त्योहार मनाते रहते थे जब किले के अंदर राशन खत्म हो जाता था तो राजपूतों को भी पता है कि बाहर बहुत विशाल फौज खड़ी है उससे जीतना लगभग नामुमकिन है लेकिन संभव भी है इसलिए राजपूत पुरुष वर्ग अंतिम लड़ाई का निर्णय लेते थे जिसको कहते थे साका लास्ट लड़ाई बाकी छुटपुट लड़ाइया रोज चलती रहती थी झापड़बाजी एक दूसरे को करते रहते थे ये उसके दस सैनिक मार दिए उसने उसके सैनिक मार दिए ये तो है तो चलती रहती लेकिन लास्ट निर्णायक लड़ाई साका जिसको इतिहास में साका बोलते हैं साका में जो पुरुष वर्ग है वह अपने शरीर पर केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके अंतिम श्वास और अंतिम हथियार के साथ में युद्ध मैदान में लड़ने के लिए जाते थे और महिलाएं भी जाती थी साहब महिलाएं जिसे कहते थे बाना भयंकर लड़ाई होती थी और आप भी जानते हो बाहर इतनी विशाल फौज है तो जीतने के चांस भी कम है किले में तो इतनी फौज होती नहीं जब खबर मिलती थी कि बाहर हार होने ही वाली है या हो चुकी है तो किले के द्वार बंद कर लिए जाते थे और आपको भी पता है कि बाहर खड़े ये मुस्लिम सैनिक अगर किले में दाखिल हुए तो क्या वहां की साजो सामान वहां की औरतों को छोड़ेंगे तो औरतें अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर करती थी या तो आग में कूदकर या पानी में कूदकर या फिर डायरेक्ट पहाड़ी से कूदकर अब आप सोचोगे कि सर आग ऑलरेडी है तो पानी में कूदने की और डायरेक्ट पहाड़ी से कूदने की जरूरत कहां है तो इसका भी कारण समझो अग्नि जोहर का मतलब सीधा सीधा सा है आपने नाम सुना होगा ना भगवान शिव का और शिव की पत्नी का नाम था माता सती या माता शक्ति और सती हमेशा अग्नि स्नान करती है क्योंकि वह आग में ही बैठी थी और माता सती के इक्यावन टुकड़े हुए थे जिनको हम शक्ति पीठ कहते हैं कभी फुर्सत से उस कहानी पर भी बात करेंगे और एक शिवजी की पत्नी है मां पार्वती जिसे हम गौरी कहते हैं और बता दूं दुनिया में दो ही ऐसी नारियां हैं जो कभी रिजास्व नहीं हुई अर्थात मासिक धर्म में नहीं आई एक तो माता गौरी यानी पार्वती और दूसरी थी द्रौपदी अब गौरी जो है वह आग में नहीं जा सकती क्योंकि सती और गौरी एक दूसरे के क्या हैं सौतन ठीक है तो माता गौरी जो है उसका रूप मानी जाती है छोटी छोटी बालिकाएं छोटी छोटी बच्चियां जो रिजास्व नहीं हुई हैं मासिक धर्म में नहीं आई हैं इसलिए छोटी बच्चियों को गौरी कहा जाता है समझे इसलिए वो आग में नहीं जा सकती इसलिए वह करती है जल जौहर जैसे कि रणथंबोर में हमीर की बेटी पदमला ने किया क्योंकि वो आठ साल की बच्ची थी और कभी अचानक से हमला हो जाता था तो डायरेक्ट पहाड़ी से कूद कर भी जौहर होता था और इसको कहते हैं साका बात समझ में आई अब सुल्तान इल्तुतमिश की फौज उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर तोड़ने के इरादे से निकल रही हैं रास्ते में आया हर एक हिंदू मंदिर और हिंदू गांव निशाना बनाएगी और महारावल चित्र सिंह एक छोटी सी रियासत के राजा हैं आप जरा सोचो उन्होंने क्या किया उन्होंने भी वही किया जो दूसरे राजपूत करते आए आसपास के गांव खाली करके चित्तौड़ में आकर बैठ गए यानी मुद्दा क्या बना सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया जित्र सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया महारावल जित्र सिंह गहलोत ने पहले राजधानी कहा थी नागदा ठीक है यहां तक समझ में आई बात अब सुल्तान इल्तुतमिश का इरादा भाई चित्तौड़ घेरना तो नहीं था उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर तोड़ना था उसे लूटना था रास्ते में आए हर एक हिंदू मंदिर को हिंदू गांव को निशाना बनाना था सुल्तान इल्तुतमिश की फौज ने रास्ते में आए नागदा को पूरी तरह से तबाह कर दिया और आज भी नागदा खंडर स्थिति में है वो इलतुतमिस का ही किया धराया है इलतुतमिस की फौज उज्जैन पहुंच गई और उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर को तोड़ा लूटा और लूटकर उसके लूट का सामान दिल्ली ले जा रही थी आप बताइए जो हरकत इलतुतमिस ने की है क्या राजपूत क्षत्रियो का खून नहीं खोलेगा जरूर खोलेगा महारावल चित्र सिंह गहलोत ने यह तय कर लिया था इलतुत्म ने नागदा को नष्ट किया जब यह सेना वापस लौट रही थी तो महारावल चित्र सिंह गहलोत ने तय कर लिया था कि इनको छठी का दूध याद दिलाना है बदला लेना है सारे मेवाड़ी राजपूतों को और विशेषकर भील सरदारों को कहा कि जाओ पहाड़ियों में डट जाओ ऐसा कूटना है कि याद रखें यह जब ये सेना वापस लौट रही थी उज्जैन से लौटते वक्त रास्ते में एक भूताला नाम का गांव आता है भूताला नाम का गांव आता है लौटते वक्त उस भूताला घाटी में पहाड़ियों में छिपे हुए इलतुतमिश की फौज के सैनिकों ने सॉरी महारावल जित्र सिंह के सैनिकों ने ऐसे बाटे ठोके इनको कि सारे धोती पकड़ के भागे ये सारा माल वहीं छोड़ के चप्पले उठा के भागे ये आप सोचिए हिंदुस्तान के सुल्तान इलतुतमिश को एक छोटी सी रियासत के राजा इलतुतमिश ने पानी पिला दिया ये तो वही वाली बात हो गई कि चीन की सेना को भूटान ने हरा दिया समझ गए इसलिए आपने देखा होगा अब कुछ विद्वान यह भी कहते होंगे कि सर भूताला का युद्ध कब हुआ कोई बताता है 1221, कोई बताता है 1226, कोई बताता है 1228। तो यह चक्कर क्या है कुछ समझ में आया या फिर समझाऊं? ईमानदारी से बताना किस किस को यह चक्कर समझ में आया ये डेटों का झमेला इसलिए है क्योंकि सिल्तुत ने पहले नागदा को नहस किया और वापस लौटते वक्त भूतला घाटी में मारा गया था इसलिए डेटो की उलझन है तो ऐसी उलझे हुई डेटो को सुलझाने की आपको आवश्यकता नहीं है पीएचडी नहीं कर रहे हैं आप इतिहास पर और जिस दिन करनी है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा का करवा देंगे अब देखो 1227 बता रहे कोई 1221 बता रहे हैं कोई क्या कह रहे हैं कोई क्या कह रहे हैं ये चक्कर यही है तो बारह तो पड़ा तो सही तो पढ़ा है आपने ये लौटते वक्त हुआ था वापस हमला लौटते वक्त हुआ था ना हमला तो सुल्तान अलतुतमिस को पूरी तरह से भूताला की घाटी में परास्त कर दिया अब सुल्तान अलतुतमिस को हराने के बाद में मेवाड़ के इतिहास में क्या नया मोड आएगा ये सारी बातें हम जरूर करेंगे लेकिन इतना तो हक है वीडियो शेयर करना है लाइक कमेंट भी करना है क्लास कैसी लगी और अगर नहीं पसंद आता अनलाइक करना है मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा कमेंट करना जरूर ठीक है लेकिन ये करना जरूर चाहिए फीडबैक जरूर देना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना है किसी भी सूरत हाल में नाउ बाय बाय टेक केयर सी यू लेटर एक घंटा बीत चुका है आपको ज्ञात नहीं मुझे पता है